जय सियाराम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट विथ है। विथ का मतलब होता है से के द्वारा के साथ बाला बाली के अर्थ में, मतलब इतने सेंस हो तो आप विथ लगाना है। से हो, के हो, द्वारा हो, के साथ हो, बाला बाली हो और के कारण भी है ना, और यहाँ भाववाचक संज्ञा, मतलब ये सब आप दिमाग में पहले बैठा लो कि भाववाचक संज्ञा हो, किसी के कारण कुछ होता हो, से के द्वारा हो, बाला बाली का सेंस हो, ऐसे में है ना, जब किसी हथियार औजार का उपयोग करके हम कुछ करते हैं किसी वस्तु का, ये सब चीजें। अब देखें, आई गॉट दिस चार्जर विथ फोन, आई गॉट दिस चार्जर विथ फोन, इसका मतलब यह है कि मैंने ये चार्जर फोन के साथ, मुझे ये चार्जर आई गॉट, मुझे मिला दिस चार्जर, यह चार्जर विद फोन, ये किसके साथ मिला, फोन के साथ। किसी वस्तु का उपयोग करके कुछ करने में, जैसे हथियार या औजार, तो आई एम राइटिंग विथ रेड पेन, है ना, मैं लाल पेन से लिख रहा हूं, तो लाल पेन उसके लिए एक औजार हो गया है ना, इंस्ट्रूमेंट हो गया। ही इज कटिंग द ट्री विथ एक्स, वह जो है कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा, तो कुल्हाड़ी उसके लिए क्या है, यहाँ औजार है, इसलिए विथ लगा। रेड पेन हम उसके लिए क्या है, एक यंत्र है, औजार है, वहां विथ का प्रयोग हुआ। बात समझ में आ रही ना, कि किसी वस्तु का उपयोग करके कुछ करने में, जैसे मान लो आप स्पून से किसी ढक्कन को ओपन करते हैं, है? तो ओपन विथ स्पून, ओपन विथ स्पून है ना, कहीं भी अगर कुछ करते हैं आप, अगर उसको मतलब जैसे मान लीजिए कि हम नाइफ से, चाकू से एप्पल काटते हैं, तो हमारे लिए औजार है, तो विथ नाइफ है ना, ऐसा भाव। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ होने के भाव में, मतलब आपको ऐसा लगे कि इस बार सेंटेंस में किसी वस्तु के साथ होने के भाव में कुछ बात कही जा रही है, तो उसमें क्या लगाना है, आपको विथ का लगाना। एग्जाम्पल के तौर पर, ही इज ऑलवेज विथ हिम, वह हमेशा उसके साथ, ही इज ऑलवेज विथ हिम, वह हमेशा उसके साथ है। चौथा प्रयोग इसका है भाववाचक संज्ञा के साथ, तो भाववाचक संज्ञा जानते हैं कि ऑनेस्टी हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिसको हम मात्र महसूस करते हैं, है ना, जिसको मात्र महसूस में किया जाता है, वो भाववाचक संज्ञा है। अब ईमानदारी कोई मतलब दिखा नहीं सकता, कि आपसे पूछा जाए कि कितने ईमानदार हैं, तो आप ये बताओगे 10 किलो ईमानदार हैं, 20 किलो, ऐसा संभव नहीं, मात्र महसूस किया जाता है, तो भाववाचक संज्ञा है। तो यू लिव विथ ऑनेस्टी, यू लिव विथ ऑनेस्टी, तुम ईमानदारी से रहते हो, ईमानदारी के साथ रहते हो, ठीक है। अब बाला बाली के सेंस में कैसे, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, सी इज गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, वह लंबे बालों वाली लड़की है, ये के साथ नहीं है, सी इज गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, वह लड़की लंबे बालों वाली है ना, उसके बाल लंबे हैं, लंबे वाले बाल वाले है ना। ज्ञानेंद्रियों के सांस में, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, तो 5 सेंस ऑर्गन के साथ, बी सी विथ अवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं है ना, तो आईज क्या है, सेंस ऑर्गन है। निर्जीव वस्तु के साथ, निर्जीव वस्तु मतलब जैसे कोई भी अगर है और वहां विथ है, तो निर्जीव वस्तु के साथ आपको विथ का प्रयोग करना है। फिर किसी कारण के होने के कारण, पीपल आर डाइंग विथ कोरोना, लोग जो है कोरोना के कारण मर रहे हैं है ना, पीपल आर डाइंग विथ मलेरिया, पीपल आर डाइंग विथ हैजा, डायरिया, जो भी मतलब किसी कारण बस है ना, तो उसमें कारण बनता हो तो वहां आप विथ का प्रयोग करना है। बात समझ में आ गई, जैसे मान लो ही किल्ड द वर्ड, ही किल्ड द वर्ड विथ स्टोन है ना, ही किल्ड द वर्ड विथ स्टोन, उसने पत्थर से पक्षी को मारा है ना, तो वो पत्थर उसके लिए औजार का काम कर रहा है, यहाँ भी विथ लगेगा। इस तरह जैसे है ना, तो विथ का प्रयोग से के द्वारा के साथ बाला वाली के अर्थ में है ना। ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आपको इससे बाहर अब विथ का कोई भी प्रयोग नहीं हो सकता, मेरी जानकारी में है ना। अब इसमें एक प्रयोग है बाई का, तो बाई का प्रयोग देख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं
बाई का मतलब होता है द्वारा से तक बगल में के हिसाब से पेशा में। पेशा मतलब होता है नौकरी चाकरी, जैसे जो नौकरी करते हैं ना कि पेशे से ये डॉक्टर है, पेशे से इंजीनियर है, पेशे से ये ड्राइवर है, पेशे से ये है ना, ऐसा पेशा। अब इस ये सेंस हो गया इसी वाहन से सफर करने में। तो आई ट्रेवल्ड बाई बस, आई ट्रेवल्ड बाई बस है ना, मैं बस से यात्रा कर रहा हूं, ठीक है, मतलब किसी वाहन से सफर करने में। आई ट्रेवल्ड बाई कार, आई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, आई ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन। हाँ, यहाँ आर्टिकल मत लगा देना, अगर आई ट्रेवल्ड बाई आप बस कर दिए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बाई के बाद और ट्रांसपोर्ट नाउन हो, बाई और ट्रांसपोर्ट नाउन के बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना। तो आई ट्रेवल्ड बाई आ बस नहीं होगा, बस ही होगा, का आकार नहीं होगा, कार ही होगा, एन एरोप्लेन नहीं होगा, मात्र एरोप्लेन होगा, ये बात जरूर ध्यान में रखना। तक वाले समय में, जिसे नहीं कहते कि मैं 10 बजे तक आऊंगा, 4 बजे तक आऊंगा, 5 बजे तक आऊंगा है ना, तो आई एम कमिंग बाई 10 o'clock, मैं 10 बजे तक आ रहा हूं, मैं 10 बजे तक आ रहा हूं, मैं 4 बजे तक आ रहा हूं, आई एम कमिंग बाई 4 o'clock है ना, वह 4 बजे तक आएगा, ही इज कमिंग बाई 4 o'clock, वह 4 बजे तक आएगा, तुम 4 बजे तक आओगे, यू आर कमिंग बाई 4 o'clock, तुम 4 बजे तक आओगे, ऐसे सेंटेंसों में तक वाले समय में हम ऐसा उपयोग करते हैं। बगल के अर्थ में, जैसे मेरे बगल में फलाने खड़ा है, मेरे बगल में ये खड़ा था, ठीक है, तो आई वाज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। कम सीट बाई मी, मेरे पास आओ, मेरे कम सीट, कम आ मतलब आओ, सीट मतलब बैठना, बाई मतलब रिपोजिशन, मी मतलब मेरे है ना, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, बगल में बैठो, मेरे बगल में बैठो है ना, ऐसा आओ मेरे बगल में बैठो। आई गेट मनी बाई द डे, दे के हिसाब में, के हिसाब में, के हिसाब से। अब इसका सेंस निकालोगे तो आई गेट मनी, मुझे पैसा मिलता है बाई द डे, दिन के हिसाब से पैसा मिलता है। मतलब कोई मजदूरी करता है उसको वो बोलता है कि मतलब दिन के हिसाब से पैसा मिलता है ना, तो आई गेट मनी बाई द डे। ही इज अ ड्राइवर बाई प्रोफेशन, वह पेशे से एक ड्राइवर है। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, ही इज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन, ही इज अ टीचर बाई प्रोफेशन, ही इज अ नर्स, तो यहाँ नर्स जब लगाओगे तो सी लगेगा, सी इज अ नर्स बाई प्रोफेशन है ना, सी इज अ लेक्चरर बाई प्रोफेशन, सी इज अ डॉक्टर बाई, मतलब कुछ भी आप लगाओ, मतलब ये याद रखना कि प्रोफेशन हो और बाई अगर वहां है तो आपको बाई प्रीपोजिशन लगाना है। अब द लायन वाज किल्ड बाई रिंकू, द लायन वाज किल्ड बाई रिंकू, ये पैसिव वॉइस हो गया, तो पैसिव वॉइस में भी बाई का प्रयोग होता है ना, शेर जो है किसके द्वारा मारा गया, रिंकू के द्वारा। ही वाज बीटन बाई टीचर, वह टीचर के द्वारा पीटा गया था है ना, तो इस तरह का जो है, इस तरह का प्रयोग। और बाई का एक प्रयोग और है सजीव, क्योंकि ये डुअल लिविंग है, अविथ नॉन डुअल लिविंग है ना, तो इस तरह आप लोग दिमाग से इसको आप पढ़ लेना। और मतलब मेरे हिसाब से तो विथ का प्रयोग समझ गए होंगे कि विथ का प्रयोग होता है जिसे के साथ, मतलब किसी के साथ कुछ वस्तु का मिलना है ना। आई गेट दिस चार्जर विथ फोन, ये चार्जर जो है इसके कारण फोन के साथ मिला है ना, और मतलब कारण में पीपुल आर डाइंग बाई विथ द कोरोना है ना, तो मतलब इस तरह। और भाववाचक संज्ञा हो है ना, ये सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है। किसी बात मतलब मैंने इसको एक एकदम और लिख के इसलिए पहले से रख लेता हूँ क्योंकि वीडियो इससे लंबी नहीं होती है ना, पहले लिख लिख के वीडियो बनाता था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती थी और बच्चे बोर हो जाते थे, तो मैंने सोचा कि पहले लिखो और फिर उसी को समझा दो अच्छे से, जो टाइम वीडियो लंबी होती है उसमें हम समझा सकते हैं अच्छे से, इसलिए मैं पहले से लिख के आप लोगों को समझा देता हूँ। तो समझ में आ गया होगा, अगर आप इसको याद कर लोगे तो मेरे हिसाब से बाई का प्रयोग इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए है ना, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।